केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। वे शनिवार को सीएम विष्णुदेव साय और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के साथ राजनांदगांव पहुंचे, जहां उन्होंने ग्राम बरगा में स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम में हिस्सा लिया। ग्राम बरगा में 32,07,60,000 रुपए के 35 विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण यहां पर किया गया। छत्तीसगढ़ पहुंचे केंद्रीय मंत्री ने राजधानी रायपुर में मुख्यमंत्री निवास पहुंचकर सीएम श्री साय से सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ आगमन पर उनका स्वागत और अभिवादन किया। इस दौरान पेयजल, स्वच्छता और इससे जुड़ी केंद्र प्रवर्तित योजनाओं पर चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि देश में पीएम मोदी की सरकार को 10 साल हो गए हैं। 2014 में स्वच्छता अभियान की शुरुआत हुई थी और उसके 10 साल पूरे हो गए हैं। स्वच्छता में बड़ा काम हुआ है और सभी में काफी जागरूकता आई है, जुटे हुए हैं, जन जागरण में जुटे हुए हैं। राजनांदगांव के नौजवान ऐसे नौजवान मन युवोत्सव के नाम से जुटे हुए हैं। ऐसा राजनांदगांव के नौजवान पर एक बार जोरदार ताली बजा के आप उन नौजवान मन के उत्साह वर्धन करो भैया, जिन मन अपन समय दे करके, मेहनत करके, जन जागरण करके स्वच्छता के स्थिति बनाए बर हैं। हमला याद है सभ्य जम्मू मंच में नेतागण बिराजे हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष जी भी बिराजे हैं और केंद्र से आए हमर मीणा जी विराजे हैं, निहारिका बारिक जी विराजे हैं, स्वप्नल जी विराजे हैं और जैन श्री जी जैन जी हैं यहाँ पे हमर जिन संचालक है, मिशन संचालक है। बहुत बढ़िया काम उन्हों करत है और सभी मंचासीन कलेक्टर है हमर, एसपी है हमर, उनको सब जन की मैं स्वागत अभिनंदन मंच में करत हूँ। आज के कार्यक्रम में मैं आप सब जन विशेष रूप से एक बात ध्यान दिलाना चाहता हूँ। हमारे मुखिया माननीय नरेंद्र मोदी जी है 2014 में देश के प्रधानमंत्री बनते साथ लाल किला के प्राचीर से कहिस कि हमारे देश में भी वो इस तरह स्वच्छता होना चाहिए। हमारे देश के आदमी बाहर जाते हैं और जाके यूरोप ले घूम के आते हैं और यहाँ किस्सा सुनाते हैं, वाह वहां देखे तो सड़क में एक ठीक कचरा नहीं दिखाए। अच्छा कचरा दिखते तेला ठीक करे काम हमरे तायर भाई और कौन करी, कौन वहां सरकार का बहरी दर के खड़े है। देखर से थी ये जन स्वच्छता के विषय है, ये जन जन के विषय है और यही चिंता ला करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी 2014 2 अक्टूबर 2014 के न केवल एक अभियान के शुरुआत करे है, स्वच्छता ही सेवा जन में छत्तीसगढ़ ला साफ सुथरा बनाना, छत्तीसगढ़ के हर गांव में शौचालय के निर्माण करना, वेस्ट के उपयोग करते हुए ओकर बेहतर काम करना, खाद के निर्माण से लेकर अन्य काम, तो ये प्रधानमंत्री जी के संकल्प है। हर लाल किले के प्राचीर से शौचालय के निर्माण के बात यदि हिंदुस्तान में कोई प्रधानमंत्री करे है तो ओकर नाम नरेंद्र मोदी जी है, जो नरेंद्र मोदी जी ये बात ला शुरुआत करे है। 10 साल में तस्वीर बदल गए। आज मैं बोले पर नहीं खड़े हूं, बहुत हमारे वक्ता मन है और तुहरों मन के बहुत देर से बैठे हो, आज हमला अपन वक्ता मन ला सुनना है। मैं तो रोज आते रहता हूं, बरगा आके चले गए हूं कई बार और आसपास के राजनंद। आज मैं स्वच्छता की बात के लिए आया हूं। पानी एक लंबा विषय है और उसके लिए मैं अलग से आपके पास आऊंगा, उसके पहले मुख्यमंत्री जी के साथ भी बैठूंगा, सभी आगेवानों के साथ, डॉक्टर साहब के साथ, सांसदों के साथ बैठकर बात करके उसका हल निकालने के लिए काम करते करते सोचकर फिर आपके पास आऊंगा। मगर मैं जब आज आया तो हम वहां पर एक गुजरात मॉडल बना रहे, जो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2021 में कैच द रेन का कार्यक्रम की योजना बनाई थी और कैच द रेन बारिश को झिलो और ये बारिश का पानी जमीन पे उतारो, उसके लिए हमने गुजरात का मॉडल बनाया, उसमें राजस्थान जुड़ा, मध्य प्रदेश भी जुड़ा। मगर आज यहाँ पर एक सरपंच बहना, उसने पूरे गांव के लिए खड्डे में 200 फुट बोर करते हुए
वहां पर जो जमीन में पानी उतारा, जहां 2 HP की मोटर चल नहीं रही थी वहां 5 HP की मोटर चलने लगी और अभी तो 9 HP की मोटर वहां चलने लगी है। उसके वजह से गांव लोगों को अभी पानी मिलने लगा है। मैंने उसको कहा कि तुम और 11 जगह पर अलग अलग तुम बोर कर दो, उसके खर्च की व्यवस्था हो जाएगी। क्योंकि और मोर बड़ा सौभाग्य के कि 2014 में हमर देश के श्री नरेंद्र मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने, 2 बार सांसद के रूप में और केंद्र में राज्यमंत्री के रूप में उनके साथ में करे के मोला भी सौभाग्य मिले रही। और 15 अगस्त 2014 के लाल किला के प्राचीर से स्वच्छ भारत मिशन के घोषणा करे रहे और उस समय विरोधी मन हंसी उड़ाए कि प्रधानमंत्री के शौचालय निर्माण के बात कर रहे थे, टॉयलेट के बात कर रहे थे, लेकिन आज हमारा समझ में आते कि स्वच्छता और टॉयलेट के कितना महत्व है। आज स्वच्छता पर बहुत बात हुई थी, हमारे पूर्वक्ता ने बताई है और मैं माननीय मंत्री जी ला भी ये अवगत करना चाहूं कि हमारे देश के स्वच्छ प्रधानमंत्री के आह्वान पर हमारे छत्तीसगढ़ इस स्वच्छता लायक आदत भी बना डाली से आज जो आह्वान है हमारे प्रधानमंत्री जी के कि हमला अपन घर, हमला अपन गली चौराहा, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा स्कूल कॉलेज ये सब ला स्वच्छ रखना है। आज कहीं ना कहीं हमें वो आदत में डाल रहे हैं, ये प्रत्यक्ष आज दिखे पर भी मिलते और आज राजनांदगांव में भी अच्छा काम होते स्वच्छता पर। हमारे बेटा बेटी मन भी लघु नाटिका के द्वारा जागरूकता के कार्यक्रम ये सब करत है, एक जन आंदोलन का रूप हमारे छत्तीसगढ़ में ये स्वच्छता हम ले ली से मैं माननीय मंत्री जी ला बताना चाहता हूं। आज जब हमारे देश के प्रधानमंत्री स्वयं झाड़ू पकड़ के गली में झाड़ू लगाए पर उतर गई तब से हमने पुरुष मन के भी जो संकोच हो रही तो भाग्यश की नहीं, पहले तो समझत रहे कि झाड़ू बाहर हुए सफाई के काम खाली महिला के, लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री स्वयं अपन हाथ में झाड़ू पकड़ के गली मोहल्ला में सार्वजनिक स्थल में मंदिर के सफाई करे पर उतर गई तो आज हमारे प्रदेश के पुरुष में भी जो लाज शर्म रही से वह भाग्य से और हमारे स्वच्छता अपन एक आदत बनाए हुए हैं। तो आज हमारे मंत्री जी ओला फिर से याद कराए पर आई नहीं है कि हमला स्वच्छता हमेशा अपन आदत के रूप में बना के रखना है। आज मोला याद आते 21 फरवरी 2015 के बाद जब हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे छत्तीसगढ़ में आए रही और डोंगरगढ़ में कार्यक्रम हुए इसे और डोंगरगढ़ में जब मोला पता चली कि हमारे कोटा भरनी गांव जो धमतरी जिला में पड़ते वहां के 106 साल के एक वृद्ध महिला कुंवर बाई अपन बकरी छेरी ला बेच के शौचालय के निर्माण कराई से और सौभाग्य के बाद जो दिनों 106 साल के कुंवर बाई मंच में विराजमान रहे आदरणीय प्रधानमंत्री जी उनके स्वागत करके उनके